गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट फिफ्थ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी अपन ने यूनिट वन में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने ब्रीफ में आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट फाइव में भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज हम ये समझेंगे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकली सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क टू प्रोवाइड द यूजर्स विद एक्सेस टू द वेरियस रिसोर्सेस दैट द सिस्टम मेंटेन। इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके का कलेक्शन होता है जहां पर कंप्यूटर सिस्टम आपके एक ही लोकेशन में सिचुएटेड नहीं होते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम फिजिकली अलग अलग लोकेशन में सिचुएटेड हो सकते हैं और सारे के सारे सिस्टम्स को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जब सिस्टम्स आपके आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और फिजिकली सेपरेट होते हैं तो इस तरीके का जो सिस्टम मेंटेन होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो कि ये आर्किटेक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आपको कंप्यूटर सिस्टम दिख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी फिजिकली सेपरेटली ये आपके कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, इन कंप्यूटर सिस्टम्स को हम नोड्स या साइट्स कहते हैं। जितने भी सिस्टम आपके आपको दिख रहे हैं ये एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन पे नहीं है। इनकी लोकेशन कैसी हो सकती है? अलग अलग प्लेस पर हो सकती है या एक ही सिटी में ये अलग अलग जगह पे क्या हो सकते हैं? सिचुएटेड हो सकते हैं। बीच में ये आपस में किससे इंटरकनेक्टेड होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये नेटवर्क आपका लैन हो सकता है, वैन हो सकता है, मैन हो सकता है, जिसके थ्रू आपस में सिस्टम कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जितने भी आपके सिस्टम ये लगे हुए हैं, हर सिस्टम की अपनी ओन मेमोरी होती है, अपना ओन सीपीयू होता है। मतलब सारे रिसोर्सेस के पास, सारे कंप्यूटर्स जितने भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, हर सिस्टम के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है और अपना खुद का प्रोसेसर होता है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ लूजली कपल्ड प्रोसेसर्स। यहां पर देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ लूजली कपल्ड प्रोसेसर्स इंटरकनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहां पर जितने भी सिस्टम है ये लूजली कपल्ड प्रोसेसर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक्चुअली प्रोसेसर टू टाइप्स के होते हैं, टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कैटेगरी में आता है? आपका लूजली कपल्ड प्रोसेसर की कैटेगरी में होता है। लूजली कपल्ड प्रोसेसर क्या होते हैं? लूजली कपल्ड सिस्टम वेयर ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी एंड प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइंस सच एज हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइंस। दैट मींस जो लूजली कपल्ड प्रोसेसर्स होते हैं, इसमें हर प्रोसेसर की अपनी खुद की मेमोरी होती है। ये मेमोरी यहाँ पर शेयर नहीं होती है। हर सिस्टम या हर नोड अपनी इंडिविजुअल मेमोरी का यूज करता है और ये प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? बीच में आपका कंप्यूटर नेटवर्क लगा रहता है। इस नेटवर्क के थ्रू एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। इस तरीके का सिस्टम क्या कहलाता है? आपका लूजली कपल्ड सिस्टम कहलाता है। और जब आपका लूजली कपल्ड प्रोसेसर जो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं, ये आपस में जब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। यदि हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल्स लें तो यदि हम भोपाल की बात करें तो SBI की यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, सारी ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होती हैं? आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरकनेक्टेड होती हैं। या दूसरा अगर हम एग्जाम्पल कहें तो जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोगों ने देखा होगा आजकल होते हैं, तो जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो एक गिवन शेड्यूल में आप देखते हो कि पेपर सभी सिस्टम पे क्या हो जाता है?
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों बनाया गया है, इसके क्या क्या आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के। तो बेसिकली चार मेजर रीजन थे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के। पहला था आपका रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा था आपका कंप्यूटेशनल स्पीड अप, तीसरा था आपका रिलायबिलिटी और चौथा था आपका कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूं व्हाट इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग से ये मतलब होता है कि सिस्टम में जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेस हो या आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक साइड दूसरे साइड से क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन या फाइल को एक्सेस कर सकती है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपकी तीन साइड्स हैं, साइट ए जिसमें आपका सर्वर लगा हुआ है, साइट बी जिसमें आपका क्लाइंट है और साइट सी जिसमें आपके रिसोर्सेस हैं। सपोज साइट बी साइट ए से क्या करना चाहता है, फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो साइट बी क्या कर सकता है, फाइल साइट ए से फाइल को एक्सेस कर सकता है। सपोज सी साइट सी के पास आपका एक लेजर प्रिंटर है और साइट बी क्या करना चाहता है, उस लेजर प्रिंटर को यूज करना चाहता है, तो साइट बी क्या कर सकता है, उस लेजर प्रिंटर को यूज कर सकता है। तो सबसे मेजर जो एडवांटेज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का, वो होता है आपका रिसोर्स शेयरिंग। मतलब साइट्स आपस में क्या कर सकती है, रिसोर्सेस को शेयर कर सकती हैं। बस यहां पर एक चीज हमें यह समझना होगा कि यहां पर जितने भी आपके नोड हैं या साइट्स हैं, इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक जगह पर नहीं होती है, ये फिजिकली अलग अलग लोकेशन में सिचुएटेड होते हैं। और कभी कभी यूजर अनअवेयर भी होता है कि कितने सिस्टम से हम आपस में कैसे हैं इंटरकनेक्टेड हैं। तो वन मेजर एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू शेयरिंग रिसोर्सेज। अब सेकंड एडवांटेज क्या होता है, सेकंड एडवांटेज होता है इसका कंप्यूटेशनल स्पीड अप। देखिए कंप्यूटेशनल स्पीड अप से क्या मतलब होता है कि सपोज एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल साइट्स में लोग वर्किंग कर रहे हैं, अब जब मल्टीपल साइट्स में एक प्रोजेक्ट पे लोग वर्किंग कर रहे हैं और अलग अलग लोकेशन पे है, तो उस प्रोजेक्ट को हमने कई सारे सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है और एक एक पार्ट एक एक साइट को दे दिया गया है। तो इससे ये एडवांटेज होगा कि जो मल्टीपल पार्ट्स हैं वो एक साथ कॉन्करेंटली क्या कर सकते हैं, रन हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो सिस्टम की कंप्यूटेशनल स्पीड अप है वो कैसी हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक ही सिस्टम एक टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है, मल्टीपल सिस्टम्स मिलके एक टास्क को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तो आपका टाइम भी क्या होगा, टाइम भी आपका कम लगेगा और दूसरा जो ओवरऑल स्पीड अप है कंप्यूटेशन की, वो भी कैसी हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड मेजर एडवांटेज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है रिलायबिलिटी, क्योंकि दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी आपके साइट होते हैं सबके अपने खुद के रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन एक साइट दूसरे साइट के रिसोर्सेस को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। सपोज इस डायग्राम में सपोज साइट सी आपकी कैसी हो जाती है, फेल हो जाती है। यदि साइट सी आपकी फेल हो जाती है तो बाकी का नेटवर्क आपका आपका शटडाउन नहीं होता है, साइट ए और साइट बी क्या कर सकते हैं, इजिली वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यदि एक जगह के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी का पूरा नेटवर्क आपका ठप नहीं हो जाता है, बाकी सिस्टम जो है वो इजिली क्या करता है, स्मूथली आपका वर्किंग परफॉर्म कर सकता है। इसलिए ये सिस्टम्स कैसे होते हैं, आपके रिलायबल सिस्टम होते हैं। फोर्थ मेजर एडवांटेज इसका क्या होता है, कम्युनिकेशन, क्योंकि हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से क्या कर सकता है, आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जो हम कम्युनिकेशन लाइंस यूज करते हैं, जिसके थ्रू इजिली हम क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कम्युनिकेशन यदि हमारा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो इजिली हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर पाएंगे, हमारे कंप्यूटेशनल स्पीड अप भी हाई होगी और सिस्टम की रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये मेजर पर्पस थे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट एडवांटेज होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, विथ रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी अ यूजर एट वन साइट मे बी एबल टू यूज द रिसोर्सेज
अवेलेबल एट एन अदर साइट। जैसा कि मैंने बताया कि रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी के थ्रू यूजर क्या कर सकता है, एक साइट में यूजर आपका बैठा हुआ है और दूसरे साइट के रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है। सपोज दूसरे साइट के पास में बहुत ज्यादा हाई एक्सपेंसिव प्रिंटर है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यूजर क्या कर सकता है, एक साइट का दूसरे साइट के प्रिंटर को यूज कर सकता है। सेकेंड एडवांटेज है स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डेटा विथ वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम मेल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजिली इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है फेलियर ऑफ वन साइट इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डजंट अफेक्ट द अदर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि एक नोड या एक सिस्टम या एक साइट आपकी फेल हो जाती है तो उसका इफेक्ट रिमेनिंग साइट्स पर नहीं बढ़ता है, वो इजिली आपकी क्या कर सकती हैं, वर्किंग परफॉर्म कर सकती हैं। बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर ऑब्वियसली है, जहां रिलायबिलिटी होगी वहां कस्टमर को हम सर्विसेज भी क्या करेंगे, बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का ओवरऑल पर्पस यही था कि जो भी हमारे कस्टमर इससे जुड़े हुए हैं उनको हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर पर लोड भी कम हो जाता है क्योंकि हमने अपने टास्क को क्या कर लिया है, सारी साइट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो एक साइट सारा काम नहीं कर रही, सारी साइट्स मिलके किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रही हैं। रिडक्शन ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली है यदि बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो जो आपका डेटा प्रोसेसिंग का डिले है वो भी कैसा हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का। यदि हम इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर जो आपका इंटरनेट है ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। यदि हम टेलीफोन स्विचिंग नेटवर्क की बात करें तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। यदि हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। यदि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें तो ये भी कैसा होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर कुछ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बता रही हूँ जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइक लोकस है, माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जब भी सिस्टम्स को हम आपस में इंटरकनेक्टेड करेंगे और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे तो हम इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, आज मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, कल की क्लास में मैं आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो आज आप लोग ये लोग अच्छे से देख लीजिएगा और यदि कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू।